सबको सोशल डिस्टेंसिंग का सबक सिखाने वाला हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट शायद खुद ये भूल गया है कि कोरोना महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की क्या अहमियत है। आज जीएमसी जम्मू के कॉम्प्लेक्स में डीआरडीओ कोविड केयर हॉस्पिटल के लिए अप्लाई करने वाले युवा बड़ी तादाद में पहुंचे थे। इस दौरान वहां हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से कोई इंतजाम नहीं किए जाने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। लगता है हेल्थ डिपार्टमेंट ब्रेक द चैन के नारे को लेकर गंभीर नहीं है। आखिर कब हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना सीखेगा? बड़ी दिक्कत तो यह है कि यहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं है। मतलब हम लोगों को मैनेज करने के लिए, प्रॉपर लाइंस बनाने के लिए, प्रॉपर तरीके से एसओपीज को फॉलो करवाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कोई भी नहीं है। कोई वॉलंटियर नहीं जीएमसी का, कोई सिक्योरिटी नहीं यहाँ पे, जो कि मतलब हम लोगों को प्रॉपर पैटर्न में, प्रॉपर मैनर में यहाँ पे खड़े करते और उसके बाद इंसानों की तरह हमसे फॉर्म लिए जाते। मतलब यहाँ तो मतलब जानवरों का हाल था अभी तक। मतलब लिटरली मैंने खुद क्लिप्स कैप्चर की हुई हैं जिस तरीके से यहाँ भगदड़ थी, और लिटरली कोई मतलब कोई डिफरेंस नहीं रह गया था लड़की लड़कों का, सब एक दूसरे पे चढ़े हुए थे। लड़कियाँ भी थी वहाँ पे बीच में, मतलब कोई वो डिफरेंस ही नहीं रह गया था गर्ल्स एंड बॉयज़ का। और दूसरी बात तो ये है कि कोई रिसेप्ट्स नहीं दिए जा रहे, कोई टोकन नहीं दिए जा रहे। हम लोगों को कुछ नहीं पता इस बात का कि मतलब ये लोग अगर हमारे फॉर्म्स ले रहे हैं तो उनका क्या होगा, क्योंकि हमारे पास उस चीज़ का कोई प्रूफ है ही नहीं। अब हमने फॉर्म दे दिया, इन्होंने ले लिया, हमारे पास उस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं है कि अब फॉर्म हमारा अंदर सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। हमारे फॉर्म का ये क्या करेंगे, उसको फाड़ेंगे, जलाएंगे, काटेंगे, क्या करेंगे, वी डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, वी डोंट नो। बहुत ज़्यादा लेट खुला, 10 बजे का ऑफिशियल टाइम था, आज लास्ट डेट था, 4:30 बजे तक फॉर्म सबमिट होने थे, 10 बजे का ऑफिशियल टाइम था। मौसम भी ख़राब है, वेदर कंडीशंस भी मतलब फेवर नहीं कर रही, और मतलब जब इन्होंने फिर देखा कि अब बारिश भी लग चुकी है, 11 बज चुके हैं, 11:15 बज चुके हैं, उसके बाद जब दरवाज़ा खुला तो बट यहाँ पे सिर्फ एक मैस क्रिएट हुआ, उसके बाद सिर्फ एक क्योस क्रिएट हुआ, उसके बाद भी कोई मैनेजमेंट नहीं थी, कोई मैनेज नहीं करवाया गया, सब एक दूसरे पर चढ़ गए। मतलब सीढ़ियाँ सारी मतलब इस तरीके से मतलब मछलियों की तरह उछल रहे थे सब, सीढ़ियाँ भरी पड़ी थी, कोई जगह नहीं थी, कोई ये नहीं देख रहा था आगे लड़की है लड़का है क्या है क्या नहीं, सब एक दूसरे पे चढ़ गए। मतलब लाइक अ फिश मार्केट, यहाँ पे एक फिश मार्केट थी अभी तक, एक मछली मार्केट। मैंने खुद कुछ कैप्चरिंग्स ली हुई हैं, बहुत सी क्लिप्स मैंने कैप्चर की हुई हैं इसके रिलेटेड। तो मतलब कोई मैनेजमेंट नहीं है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को कोई वो इनिशिएटिव नहीं ले रही। हम लोगों को बुलाया जा रहा है कोविड से फाइट करने के लिए, बट ये तो ऑलरेडी हमें कोविड दे रहे हैं पहले एडवांस में। आप कहाँ पे? बेसिकली भद्रवा से हूँ, तो मैंने यहीं से अपनी ट्रेनिंग वगैरह की हुई है। मैं जॉब करता हूँ एसकॉम्स में, हम अपनी जॉब छोड़ के आए हैं आज फिलहाल, आज की छुट्टी मार के आए हैं वहाँ पे। हम वहाँ भी जॉब करते हैं प्राइवेट, हम उस चीज़ के लिए। अगर हमें ये मतलब उस 500-bedded हॉस्पिटल बना रहे हैं ये लोग, अगर हमें मतलब उस चीज़ के लिए कि भाई आप लोगों को फॉर्म्स लगाने हैं, सबमिट करवाने हैं, तो ये क्या मतलब फिर इस तरीके से मैनेज होगा कि मतलब हमें ये पहले ही कोरोना दे देंगे? मतलब जिस तरीके से यहाँ पे हाल था अभी जो मैंने कैप्चर किया, उस तरीके से तो हमें पहले ही कोरोना लग जाएगा, हम फाइट क्या करेंगे? हम यहाँ पे मतलब कोविड वॉरियर्स क्या बनेंगे? अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 705-109-1811।